तो गाइस इस बाइक का जो हॉर्न होता है वो होता है वाटरप्रूफ, और कुछ हद तक ये सही भी होता है क्योंकि इस बाइक का यूज हम बरसात के मौसम में भी करते हैं और बरसात के मौसम में भी हम इस हॉर्न को बजाते हैं और हॉर्न सही सही बज जाता है। और इस बाइक को वॉश कराते टाइम भी इस हॉर्न के अंदर पानी चला जाता है और हॉर्न में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आती है। लेकिन आज हम इस हॉर्न को थोड़े पानी के अंदर नहीं बल्कि पूरे पानी के अंदर इस हॉर्न को डुबाकर बजाएंगे, यानी कि अंडर वाटर। तो गाइस आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इस हॉर्न को अंडर वाटर बज पाता है या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार हमने इस हॉर्न को इस बाइक से बाहर निकाल लिया है और साथ ही इससे एक वायर से कनेक्ट कर दिया है ताकि इसे आसानी से इस पानी के अंदर डुबाया जा सके, और साथ ही हमने एक 12 वोल्टेज की बैटरी ले ली है जिससे कि इस हॉर्न को बजाया जा सके। जैसे कि मैं बाहर ही इस वायर को जैसे ही 12 वोल्टेज की माइनस पॉइंट पर टच करूँगा ये हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अब बारी है इस हॉर्न को अंडर वाटर यानी कि पानी में डुबाकर बजाने की। तो अब इस हॉर्न को हम इस पानी के अंदर डुबा रहा हूँ। तो गाइस एक बार देखो इस हॉर्न को पानी के अंदर भी बजाया जा सकता है लेकिन इसकी आवाज काफ़ी कम हो जा रही है और ये पानी के अंदर वाइब्रेशन भी क्रिएट कर रहा है। अब इसे वापस पानी के अंदर से बाहर निकाल कर बजा कर देखते हैं ये हॉर्न ख़राब हो चुका है या फिर बज रहा है। तो गाइस हमने इस हॉर्न को बाहर निकाल लिया है और वापस इसे माइनस पॉइंट पर टच करके चेक करते हैं ये हॉर्न ख़राब हो चुका है या फिर बज रहा है। तो गाइस ये हॉर्न पानी के अंदर पूरे डुबाने पर भी किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आती है। हमारा आज का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।